हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पे, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं RSMSSB की। दोस्तों इनकी जो एग्ज़ाम हुए थे उनके आंसर की आ गई है। इनके एग्ज़ाम हुए थे PTI के, LSA प्रशोधन सहायक और TA मीन्स टैक्स असिस्टेंट के। तो इनकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट समय से मिलते रहें। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूंगा आपको कि इसमें जो आंसर की आई है उस पर अगर आपको कोई आपत्ति है तो वो आप 30 नवंबर 2018 रात 12 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आया था, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2018 को आयोजित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक मीन्स PTI की थर्ड ग्रेड की भर्ती हुई थी, जिसके बाद 14 अक्टूबर को कर सहायक की परीक्षा हुई थी, मतलब टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, और उसके बाद 21 अक्टूबर को पशुधन सहायक LSA की परीक्षा हुई थी। उनके मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। अगर आपको आपत्ति है तो उस पर आप ऑनलाइन जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हो। ऑनलाइन आपत्ति दिनांक 28 नवंबर 2018 से 30 नवंबर 2018 को रात्रि 12 बजे तक कराई जा सकती है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है अगर किसी को किसी भी उत्तर पर कोई आपत्ति है तो वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक आपत्ति के 100 रुपये लगेंगे, जिसको कि आप अपनी SSID से ई मित्र पेमेंट या ई मित्र के उस पर जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो जितने प्रश्नों में आपको आपत्ति है प्रत्येक प्रश्न के 100 रुपये शुल्क लगेगा, और दोस्तों शुल्क के अभाव में आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। दोस्तों इसके लिए जो लिंक है वो 28/11 से 30/11 रात 12 बजे तक ये एक्टिव रहेगी, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाएगी, मतलब उसके बाद आप आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं। अब बताते हैं आपको ऑफिशियल आंसर की और प्रश्न पत्र कहाँ से डाउनलोड करने हैं। दोस्तों आप गूगल में जाकर www.rsmssb.government.in पर जाकर लिंक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको न्यूज़ नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दें तो आप न्यूज़ नोटिफिकेशन पेज से पहुँचोगे। रिलीज़ हुए दोनों नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे, जिनमें लिखा हुआ है प्रेस अनोट रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्शन फॉर PTI TA NLSA एग्जाम 2018, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन ऑफ PTI TA NLSA एग्जाम 2018। उसके बाद जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन में क्वेश्चन पेपर डालोगे तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सेम टू सेम सर्च ऑप्शन में आप जैसे ही आंसर की डालोगे तो आपको सारे आंसर की उपलब्ध हो। क्वेश्चन पेपर के साथ आप अपने आंसर टैली कर सकते हैं, और अगर कोई आपत्ति है तो ध्यान रहे 30 नवंबर रात 12 बजे से पहले आपको दर्ज करानी है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे भी आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सारे लेटेस्ट अपडेट समय से मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।